हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी फार्मूला क्रीम जो कि 3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट देगी, बल्कि 2 दिन में ही आपको पता लग जाएगा। और उस फार्मूला क्रीम के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और वो क्रीम जो है इजीली जो है वो 100 रुपीज़ के अंदर ही तैयार हो जाएगी। और उस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक कंटेनर, एक खाली सा बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स चाहिए। और उस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स में से सबसे पहले एक तिब्बत फेयरनेस क्रीम है, तिब्बत स्नो, जो बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है। ये पाकिस्तान का ब्रांड है, कोहिनूर केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये। और ये जो है इंडिया में भी यूज़ हो रहा है, ये सदियों से हमारी बूढ़ी पुरानी दादी वगैरह जो हैं वो इसे इस्तेमाल करती हैं। तो हम तिब्बत क्रीम में को बेस लेंगे और उसके साथ हम डिफरेंट चीज़ें इसमें मिलाएँगे। तो मैं जो हूँ इसमें कोकम्बर जेल ऐड कर रही हूँ करूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी। और अगर आपके पास कोकम्बर जेल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अंदर थोड़ी सी तिब्बत क्रीम ऐड करूँगी। तिब्बत क्रीम के बहुत फ़ायदे हैं, ये आपकी एक्ने को भी जो है वो ख़त्म करती है। अच्छा, ये क्रीम आप सिर्फ 3 दिन के लिए ही बना के स्टोर करेंगे, उससे ज़्यादा आपको स्टोर नहीं करनी 3 दिन, क्योंकि इसमें हम लेमन ऐड कर रहे हैं तो ये इस तरह से प्रिजर्व ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगी। सो गाइस, इसमें मैं तिब्बत क्रीम को ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने इसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, बल्कि 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें तिब्बत क्रीम ले ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो कोकम्बर जेल ऐड करी, आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसमें सेम क्वांटिटी में ही ये जो है कोकम्बर जेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करना है। मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लिया। अब हमें इसे मिक्स करके कॉन्कॉक्शन सा बना लेना है। बहुत ही अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है, और मिक्स करके ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी और बहुत ही अच्छी सी एक आपकी क्रीम बन जाएगी, फेयरनेस क्रीम। और मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये क्रीम हो चुकी है बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार। और ये वाली क्रीम यूज़ करके आपको 2 दिन में ही रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप ये 3 दिन की क्वांटिटी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसको अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ रात में सोने से पहले आपको अपना फेस वॉश करना है एंड रात में इस क्रीम को लगा के सो जाना है। मैं कहूँगी कि आप इसे 3 से 4 दिन का ही बनाइए, इससे ज़्यादा इसको स्टोर ना करें। लगाने के बाद थोड़ी सी अगर आपको जलन होती है तो इट्स ओके, थोड़ी सी आपको हल्की सी एक सेंसेशन सी फील होगी, क्योंकि तिब्बत क्रीम का स्नो में भी थोड़ा सा कह लें कि एक एस्ट्रिंजेंट सी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो कि हल्का सा आपको लगता है कि जलन हो रही है, लेकिन वो ऑल सेट है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो लेमन के बिल्कुल ही माइनर से ड्रॉप्स ऐड करें, या आप लेमन ड्रॉप्स को स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कोकम्बर जेल और तिब्बत क्रीम ही अप्लाई कर सकते हैं आप मिक्स करके। लेकिन अगर इस तरह से अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे, और ये आपको रोज़ रात में अप्लाई करनी है सोने से पहले। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, इसे अप्लाई करके सो जाना है एंड अगले दिन मॉर्निंग में उठकर नॉर्मल फेस वॉश से अपना मुंह धो लेना है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर्स, बाय।